तो नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बेहद खास और लोकप्रिय कार्यक्रम क्या हाल में एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं 2024 की। जी हां, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर, जिसको लेकर बीजेपी न केवल फुल कॉन्फिडेंस में है बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस में भी है। जी हाँ, मुद्दा वही है और जिसका कॉन्फिडेंस का विकास के साथ राम मंदिर के मुद्दे को लेकर जिस तरह से बीजेपी चुनाव में जा रही है, वो कह रही कि इस बार 400 पार का नारा जो है वो दे रही है। तो ये देखना है क्या वाकई में ये लहर है, क्या राम मंदिर के मुद्दे को जिस तरह से बुनाया गया, क्या वाकई में ज़मीन का उसका असर है। ये तमाम चीज़ें हम लोगों से समझेंगे और जानेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में पार्टी को लेकर या माहौल को लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं। हम बात कर लेते हैं उनसे। सबसे पहले नमस्कार, क्या शुभ नाम है आपका? सुरेश रावी। सुरेश जी, जबलपुर से रहते हैं जी? अच्छा, आप तो बहुत चुनाव देख चुके होंगे, लेकिन इस बार माहौल बिल्कुल अलग है। मतलब राम मंदिर का मुद्दा लग रहा है वो रहेगा लोकसभा चुनाव में, ऐसा लग है क्या? जी हाँ जी, वो जो बीजेपी जो कह रही है 400 पार, तो क्या लगता है? बीजेपी तो आ ही रही है, आएगी नहीं, यहाँ तो खैर आ ही जाएगी, है ना? लेकिन जो आंकड़े बता रहे हैं उसको क्या समीकरण कह रहा है? वो आइडिया नहीं है अपन को, वो आइडिया नहीं है अपन, आइडिया नहीं है, लेकिन आ रही है, आ रही है, वही हम बात कर रहे हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया, क्या शुभ नाम हुआ? राजेश कुमार असाठी। नहीं, जबलपुर के? हाँ, जबलपुर का रहने वाला हूँ। अच्छा, मुझे ये समझाइए कि इस बार लोकसभा चुनाव में माहौल क्या समझ में आ रहा है? माहौल तो जब चुनाव प्रक्रिया चालू होती उस समय माहौल पता लगता है। हाँ, अभी तो जिस प्रकार एक प्रकार से माहौल है वो बीजेपी के ही तरफ झुकाव है। कारण मोदी जी का विकास का काम करने का तरीका। ये राम मंदिर का मुद्दा भी रहेगा? राम मंदिर का मुद्दा तो काफ़ी पुराना था, वो तो आज उसका पूर्ण होना था, तो उसका खास अंतर तो नहीं आएगा, लेकिन लोगों की जो भावनाएं जुड़ी हैं उससे फिर भी फर्क पड़ेगा। जी हाँ सर, शायद इसीलिए उद्घाटन भी उन्होंने सिख चुनाव के समय। नहीं, उद्घाटन चुनाव के पहले क्या उसका मतलब नहीं है। जो माहौल रहता है, जो पंडित और शास्त्र के द्वारा निकाला गया, वो उचित समय पर निकाला गया, इसलिए वो लोगों का भ्रम है कि मतलब चुनाव के पहले है। ठीक है, हम वही समझ रहे हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में माहौल क्या कह रहा है। लोकसभा के चुनाव के माहौल में हमारे वो चौबे जी कहाँ गए? बहुत अच्छा बोलेंगे वो। चौबे जी, आप बताइए, आप अपना व्यू बताइए। अब यार मैं क्या बोलूँ, यहाँ तो इस समय वैसे ही चल रहा है, सनातन का धर्म का चल रहा है, तो बीजेपी ही का वो है, और बिल्कुल निर्विरोध आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। इस समय पूरा रुझान चेंज है, और थोड़ा सा आप हमारे इस विषय में, अरे चौबे जी से बहुत थोड़ा सा आप लीजिए, इनका बात कर लेते हैं। चौबे जी की बड़ी चर्चा कर रहे हैं, बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं लोकसभा चुनाव के लेके, माहौल क्या है? नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते हैं चुनाव के लेके। अच्छा, इस बार सनातन वर्सेस कांग्रेस है क्या चुनाव? नहीं। हाँ, फिर भैया जबलपुर में नहीं है, मध्य विधानसभा में नहीं है। नहीं, लोकसभा की हम बात कर रहे हैं। हाँ, लोकसभा में ना, तो ये जबलपुर लोकसभा में नहीं है। क्या नहीं है? मतलब सनातन वाला काम नहीं है। नहीं है, क्या रहेंगे मुद्दे? मुद्दे जो है, मतलब मुद्दे चलते हैं, मतलब भाई आदमी के बेरोजगारी सबसे बड़ी मुद्दा है, तो मालूम है नौकरी किसी के पास नहीं है समय पे, ये मुद्दे रहेंगे, है ना? तो बीजेपी जो दावा कर रही है 400 पार, नहीं 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 जाएगी, बिल्कुल नहीं जाएगी। कहाँ लग रहा है ब्रेक? आपको मालूम है कि जहाँ से बोल रही है 28 भाई, इनकी 28 एरिया, तो 28 27 इनका है, हमें 25 मान ले लो, 26 मान के चलो, और क्या, इससे ज़्यादा नहीं। 26 तो आ रही ना? हाँ, 26 तो यहाँ से मिलेगी, वो तो तीन जो है उनके वो तो मिलने ही, उनको 29 नहीं, सरकार उनकी बनेगी, सरकार मोदी की बनेगी, वो 400 पार नहीं होंगे। ठीक है, क्या भैया क्या है माहौल इस बार? तो फिर से बीजेपी की सरकार बन रही है, और सब हिंदूवादी सोच से यदि आगे बढ़ रहे हैं, राम मंदिर के विषय में देख रहे हैं, तो सरकार बीजेपी की ही बन रही है। पर एक तरफा चुनाव जैसे 400 प्यार का तो मुझे नहीं लग रहा है, बाकी सरकार बीजेपी की ही बनेगी। अच्छा, क्या इस बार माहौल ऐसा समझ में आ रहा है कि सनातन वर्सेस कांग्रेस होने वाला, क्योंकि बीजेपी ने पूरा माहौल जो है वो हाँ, सनातन वो और राम मंदिर में लपेट दिया है। माहौल को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया है, सनातन राम मंदिर और ये अफगान बापी का जैसे मुद्दा सामने आ रहा है एकदम से। अभी तक शांत था माहौल, राम मंदिर निपटा तो अफगान बापी पे बात होने लगी है, तो बट ऐसा नहीं है। वो इस बार का चुनाव
मोदी जी के ही फेस पे लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि सनातन ये वो काम मोदी का फेस ही करेगा इस बार भी। फायदा मिल रहेगा इनका मंदिर वाले से, फायदा मिलेगा? हाँ, थोड़ा सा फायदा मिल रहा है कि कुछ लोग जो नहीं भी पसंद करते थे बीजेपी को, तो राम मंदिर के से वो बीजेपी के साथ आए हैं पसंद करने। हाँ जी, तो ये देखिए यही चीज हम समझने आए थे कि बता रहे हैं कि जो लोग पसंद नहीं करते थे वो भी लोग पसंद करने लगे हैं। जी भाई साहब नमस्कार, क्या करते हैं जी? सीजन लेवल काम करते हैं भैया। अच्छा, चुनाव को लेकर कोई चर्चा है क्या? लोकसभा के चुनाव होने वाले, डेट डिक्लेयर हो जाएगी? चुनाव का है, कोई भी पार्टी है, भोगने जनता को है। हाँ। वो का है बस, फिर भी नहीं तो है कि संघर्ष तो जनता को करना है। माहौल क्या लगा है? पर इसमें ज़्यादा वो रहते नहीं है भैया, इसलिए इसके लिए कोई काम धंधे में फंसे रहो, अपने उसी में काम है भैया, वही है। मुद्दा समझ में आ रहा है क्या रहेगा इस बार हावी? जिसमें अपन कुछ नहीं कह सकते, क्यों अपन को इसमें रहते ही नहीं है, अच्छा कुछ कह नहीं सकते, है ना? ठीक है, तो हम और भी लोगों से। जी नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया है जी। क्या कह रहा है चुनाव, समझ में तो आ गया होगा माहौल? माहौल अभी तो चुनाव के आजकल भी 10 दिन पहले समझ में आता, अभी तो भाजपा और कांग्रेस अपना माहौल बनाने में लगे रहते हैं। जनता तो व्यस्त रहती है अपने काम से काम, कोई कुछ बोलना नहीं चाहता, हकीकत तो बात यह है। और कांग्रेस के पास तो कोई अभी मुद्दा भी नहीं बचा है कि हम इस पे घोषणा करके चुनाव लड़ें, मुद्दे भी तो होना चाहिए। कांग्रेस की खुद की कमजोरी है, खुद में बड़ी बहुत बड़ी फूट है ना। अब जैसे भाजपा वालों ने अपना एक संगठन मजबूत कर लिया, RSS हो गया, बहुत सारे उनकी स्कूल की संस्थाएं हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है, इन लोगों ने अपना संगठन जो मजबूती से खड़ा किया है उसको तोड़ने वाला नहीं है कोई, और कांग्रेस के पास ऐसा कोई संगठन है ही नहीं, हकीकत बात है ये। आप बताओ, आप भी तो समझदारी रखते हैं। ये बात सही आप बोल रहे हैं कि संगठन नहीं दिख रहा है, पार्टी कहीं संगठित नजर नहीं आ रहा है ना, इसका नुकसान जो है चुनाव में, चुनाव हो ही रहा है अभी पिछले 10 साल से जो नुकसान हो रहा है, विधानसभा हो चाहे लोकसभा, ये अपना संगठन मजबूत कर लें, जमीनी स्तर से मजबूती कर लें, तब कहीं इनका अस्तित्व तो नजर आएगा। लड़ाई में कहीं नजर आएगी कि नहीं आएगी कांग्रेस? नाम मात्र का, जैसे अभी अपने यहाँ मध्य प्रदेश में हुआ, सोच रहे थे 110 से 90 या 100 सीटें आ जाएगी, लेकिन वो पिछड़ गई, है ना। तो वो सब चीज़ें हैं, ये संगठन मजबूत करके काम करे, एकता में काम करे तो वो आगे बढ़ेगी। संगठन से ही शक्ति होती है, क्यों भाई साहब, क्या कहता है आपका तजुर्बा? बीजेपी का चल रहा है, चल रहा है, मतलब जलवा बस बीजेपी का है। हाँ, बीजेपी का जलवा चल रहा है। तो कोई नाम वाम ले रहा है नहीं कांग्रेस की, क्या सोच क्या रहे हैं लोग? अभी देखो महापौर जी ने बदल दिया, वो अपना सब पाला बदल दिया। हाँ, है ना, सही बात। और नाराज हैं क्या लोग उनसे इस बात को लेकर, किसी के चुनाव पे चिन्ह पे लड़ा? नाराज तो है कि भाई इनने बदल दिया है, लगता है क्यों चले गए, क्यों इस तरह से कांग्रेस जो बीजेपी में जा रहे हैं, क्या सोच रही पब्लिक? चुनाव को लेके भगदड़ मची है या फिर मुद्दा कुछ और ही है? ये तो अपन को नहीं, चर्चा क्या है कॉमन पब्लिक में क्या है, हम वही तो समझने आए हैं लोगों से। हाँ, ये बात सही है, पर पब्लिक क्या सोच रही है? पब्लिक को अब इतनी फुर्सत नहीं है सोचने की, तो अपना वोट डालने जाएगी जिसको देना देगी, ऐसा। मतलब ये बात सही है कि एक आम इंसान को इतना गणित करने का वक्त नहीं होता कि वो गणित करे, चलो ठीक है। एक बहुत ही हमारे शहर के जो हृदय स्थल के पान वाले हैं उनसे हम पूछ लेते, बहुत सारे मुद्दों पर अपना वक्तव्य रखते हैं, इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर क्या है भैया? अपना तो ऐसा है कि जैसे जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो एक कहने लगे भाई कि देश में इतने मंदिर हैं, एक मंदिर और बन गया तो क्या फर्क पड़ा है, और एक मंदिर बनाने की ज़रूरत क्या थी? तो हमने उससे कहा भाई 75 साल हो गए, आप एक मस्जिद बचाने में क्यों लगे रहे, आप ये बताओ। जब सरकार बोल रही थी कि वहाँ पर आप तो पिकनिक स्पॉट बना दो, सब बना दो, तो हमने कहा ऐसे ही बस काम चलता रहता भैया सरकारी, बस और क्या बोलें आप। इसका फ़ायदा चुनाव में मिलेगा क्या पार्टी को? बड़े भाई मैं बिल्कुल नहीं जानता, यदि मैं लोकसभा लड़ूंगा तो ज़रूर फ़ायदा उठाऊंगा और मैं लड़ने से रहा भाई। जैसे एक नेता बीजेपी के हैं हमारे, हमने उनसे बोला भैया इस बार लोकसभा का
टिकट आप ही को मिलेगा। कहने लगे यार कोशिश में तो लगे हैं, तो हमने कहा यार अपन भी लग जाओ यही कोशिश में, कौन सा फर्क पड़ना है, कोशिश तो कोई भी कर सकत ना भैया, अब अलग करो बड़े भाई। ये हम वही समय, हाँ भैया अब आप तो आओ, ये सबकी चर्चा आपने भी सुनी, क्या चल रहा है? वोटरों को देख के तो लग रहा है बीजेपी इस बार पिछले बार से ज़्यादा ही सीट लाएगी, कम नहीं होगी ज़्यादा ही होंगी। मध्य प्रदेश में खाता खोलना मुश्किल है कांग्रेस का। कारण क्यों? राम मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा। सबसे बड़ा मुद्दा क्या कह रहे हैं लोग? जनता पार्टी का ही दबदबा है बिल्कुल। जो तो अलग करो, अपन बात कर रहे हैं यार। तो चलेगा ही ना मुद्दा। अरे दल बदल का फायदा नुकसान किसको हो रहा है भाई? ऐसा हो सकता है कि हम आपको बाहर से नुकसान नहीं कर सकते, हम आप में शामिल हो गए। ये क्या है? हाँ तो घर में घुस के जो है वो काम करने की बात ये आशंका जता रहे हैं। तो चलिए हम समझ लेते हैं लोगों से और चर्चा कर लेते हैं आम लोगों से भी। चुनाव आ गए हैं लोकसभा वाले, क्या चल रहा है मार्केट में? बस अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। माहौल किसका है? बीजेपी तो होना चाहिए। अच्छे अच्छा है बीजेपी। अच्छा हाँ, कोई खास वजह बीजेपी पसंद करने की? भाई काम उनने अच्छा काम करवाया है। हाँ। काम भी अच्छा करवाया उनने। हाँ। अच्छा काम वाम चल रहा है, रोड भी अच्छी तैयार हो रही है, पुल भी तैयार हो रहे हैं। हाँ ऐसा जी, तो रोड भी तैयार हो गई, पुल भी तैयार हो गए, सब भी तैयार हो गया है ना, इसलिए बीजेपी तो देख रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है। नमस्कार। नमस्कार, क्या हाल है? जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही है, फर्स्ट क्लास। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हम भी समझने आए थे कि बस चुनाव की डेट डिक्लेयर होने वाली है, माहौल क्या समझ में आ रहा है? देखिए जबलपुर शहर का कि पूरे हिंदुस्तान का? शहर का ही बता दीजिए और हिंदुस्तान का ही बता। शहर की हालत तो ये है कि यहाँ कोई भी खड़ा हो जाए जी बीजेपी का आदमी जीतेगा। तय कारण ये है कि महापौर अभी जो चुना था वो बीजेपी में शामिल हो गया। अब जबलपुर की स्थिति ये है, अब किसको टिकट मिलती है पहले ये कौन तय करेगा? मध्य प्रदेश की हालत तो ये है कि इनको कैंडिडेट नहीं पता कौन चुनाव लड़ेगा। किनको? दोनों पार्टी के लोगों को नहीं मालूम। कांग्रेस बता दे किसको देंगे, बीजेपी बता दे किसको, दोनों को नहीं मालूम किसको टिकट देंगे जी, बता दें कोई हमें। तो ये वो तो ठीक है, तो पार्टी का अंदरूनी मामला नहीं। तो फिर अपने अगर आप पार्टी की बात कर रहे हो कि व्यक्ति की बात कर, लोग पार्टी को वोट में, सुनो आपका प्रश्न सही है, जैसे मतलब कौन जीतेगा कौन हारेगा। अब यहाँ जैसे महापौर कांग्रेस का था, अब बीजेपी में चला गया, अब मान लो दोबारा इसी को फिर टिकट मिल जाए तो पब्लिक क्या बीजेपी को वोट देगी कि महापौर को वोट देगी? ये प्रश्न हमारे लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए जाएगा देखना आप। और जबलपुर शहर वो है, यहाँ से हिंदुस्तान का निर्णय होता है। जनता पार्टी का गठन ही जबलपुर से हुआ था, मालवीय चौक से। ठीक बात है, शरद यादव जीता था। ठीक है। और ये जबलपुर को बहुत हल्का फुल्का लेते हैं पार्टी वाले, हो सकता है ये 29-29 सीट गा रहे। नोटो नाम ले बीजेपी को तो क्या कर लोगे आप? बात है, गाना गाना और निभाने बहुत अंतर। पब्लिक और ये सोच ले कि अच्छा आम पब्लिक, आप बाजार की हालत देखो, अच्छा है कि बुरा, आप भी घूम रहे हो सब दूर, बाजार की हालत दयनीय है कि नहीं ये बता दो आप। ठीक बात, वो जान नहीं है ये, आपको भी मालूम है। अब बाजार के साथ से वोट चाहिए खरीदने, अब वो 10-10 करोड़ रुपए खर्च के चुनाव जीतेंगे, कैसे हारेंगे चुनाव? अब आज ही आपने पेपर में देखा होगा कि टोल के नाम पे करोड़ों रुपए इकट्ठा हो गया, और यहाँ जो मंत्री हैं मिस्टर कौन, वो राकेश सिंह ये बोलते वो तो लेते रहेंगे, 37 तक हमें वसूल करना है। ये मंत्री अगर इस ढंग से बोल रहे हैं बीजेपी के, तो किस आधार पर बीजेपी जीतेगी ये बताओ ना हमें। अच्छा राम मंदिर वाला मुद्दा रहेगा? राम मंदिर से ही जीतेंगे जो लोग, बस वो कोई इनका, इनके बेजी के पास अपना कोई स्वयं का मुद्दा नहीं है राम के अलावा। उमा भारती ने एक बार सरकार बनाई थी, अब दोबारा राम के मंदिर जब बनेगी तय मान के चलो। हाँ क्यों बनेगी, अपने अंधे पीछे कुत्ते खाएं जारी कहावत है ना, इन्हें वोट किसको दें? आप ही जैसे वोट किसको दोगे? चलो हम आपसे पूछते हैं, सब जगह सर्वे कर रहे हो, सर्वे करने के बाद अगर आप निर्णय लो तो कैसे लोगे? ये हिंदुस्तान की इकलौती दुकान है बड़कुल वाली, खोवे की जलेबी, बता हिंदुस्तान में इसके अलावा खोवे की जलेबी कहाँ मिलती है? तो हमारा आपका प्रश्न ये होगी कौन हारेगा कौन जीतेगा, तो जबलपुर में कोई भी जीत जाए बीजेपी खरीद लेंगे उसको।
ये बड़ी फायदे की बात है। बिहार में क्या हुआ? नहीं नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही, कोई खरीद लेगी, है ना, हमसे ज्यादा आपको जानकारी होगी। ये बड़ा जो अनुभव है वो शेयर हो रहे हैं, ये गलत कहाँ है, बिल्कुल सही है, अनुभव जी शेयर कर रहे हैं। भाई साहब नमस्कार, क्या हाल है? ठीक है भैया, थोड़ा सा आइए इधर। हम ये समझ रहे थे कि अब बस चुनाव आ चुके हैं। जी जी, क्या माहौल क्या है, समझ में आ रहा है कुछ? नहीं, अभी तो माहौल समझ में नहीं आ रहा है। बीजेपी तो कह रही 400 के पार। नहीं तो बीजेपी तो जीतेगी भैया, जीतेगी बिल्कुल। कांग्रेस तो वैसे ही बदल बदल के लोग आ रहे हैं, महापौर जैसे यही आ गए वापस। कांग्रेस तो सुपड़ा साफ है। क्यों आ रहे हैं, कुछ समझ में, जनता में क्या चर्चा है? जन देखो, सबसे बड़ा बात ये है, हिंदुत्व, हिंदुत्व का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो हिंदुत्व के कारण आदमी सब चेंज हो रहा है, आदमी को नहीं लग रहा कि कुछ महंगाई है, कुछ भी है, समझ में नहीं आ रहा कुछ। तो मतलब राम मुद्दे के आगे, सनातन के आगे सारे मुद्दे जो है सब खत्म, कुछ भी नहीं समझ, कुछ भी नहीं, आदमी को समझ नहीं आ रहा है, समझना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। तकलीफ तो हो रही ना, उसमें जाने नहीं चाहता, तकलीफ तो उसको हो रही ना, तकलीफ झेल रहा है आदमी, क्या है, लेकिन अपना भविष्य सुरक्षित कर रहा है ना, बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर रहा है। आज अपन तकलीफ झेल लेंगे तो बच्चे तो सुरक्षित रहेंगे कम से कम। अच्छा, ये भावना है लोगों, हाँ, है ना, बिल्कुल, सारी चीजें हैं तो ठीक है, लेकिन सिक्योर होगा, सिक्योर है सनातन में, कम से कम हिंदुत्व तो जगेगा, हिंदुत्व रहेगा तो कम से कम हिंदू देश तो बनेगा कम से कम। ये मुद्दा, ये बात समझ, धन्यवाद, यही बात हम समझने निकले हैं लोगों से। राम बन के नाम पर सरकार बन रही है इनकी, हम तो बन रही है, ठीक है, राम के नाम पे बन रही है। भाई साहब नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया। क्या शुभ नाम लिखते हैं? आशीष मिश्रा। आशीष जी, कुछ माहौल समझ में आ रहा है चुनाव को लेके? चुनाव का तो बीजेपी ही है। क्यों, कांग्रेस भी तो पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है। हाँ, लेकिन अब अभी जो काम हो रहे हैं तो उसके हिसाब से तो बीजेपी को आना चाहिए। ऐसा जी, तो सिर्फ काम है या फिर? नहीं नहीं, जो हिंदुत्व का चल रहा है ना, वो बहुत ज़रूरी है था वो, हाँ, और इस पर तो और अब सभी जानते हैं, है ना, हिंदुत्व का मुद्दा सबसे ऊपर, सबसे ऊपर, और शायद इसी के लिए बीजेपी जो है जी कॉन्फिडेंस में है ना। ठीक है, कांग्रेस के लिए क्या सोचते हैं लोग, कि ये हिंदू विरोधी है, क्या सोचते हैं? कांग्रेस के तो अधिकतर लोग बीजेपी में सम्मिलित होते जा रहे हैं, और वो होना भी चाहिए। है ना, अब इतने साल, 70 साल 80 साल से तो लगे थे कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस, है ना, दूसरी पार्टी को मौका ही नहीं मिल रहा था कि कोई, मतलब जो हिंदुस्तान अपन कह रहे हैं तो हिंदुस्तान की कोई बात ही नहीं कर रहा था, है ना। लेकिन अब जो वाकई में जो मोदी जी ने छेड़ा है वो, तो वाकई में आज जो देश का नाम हो रहा है, तो ये लग रहा है कि अब वो बीजेपी को पूरा, उन जो भी बच्चे हैं कांग्रेस में उनको भी बीजेपी में सम्मिलित हो जाना चाहिए, सम्मिलित हो जाना चाहिए। हाँ, तो ये राय निकल के आ रही है। भाई साहब नमस्कार। भाई कैसे हैं? बस हम निकले थे यूँ समझने के लिए कि क्या माहौल अब क्या है, क्योंकि चुनाव बिल्कुल पास में खड़े हैं, मुहाने पर खड़े हैं। बस एक ही विकल्प है अभी तो यार, क्या? मोदी। मोदी, राहुल गांधी भी तो है? नहीं, राहुल जी तो हैं, लेकिन अब भाई कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि इनको करीब 8-10 साल पहले अपना नेतृत्व चेंज कर देना था। एक से एक दिग्गज नेता हैं कांग्रेस में भी हैं भाई, 70 साल से तो कांग्रेस ही ने आज जो भी बना है। मोदी जी तो समझ लो वाइट वॉश कर रहे हैं, जो नीचे से वो बना हुआ है अपना, कहना चाहिए कि इमारत बनी है जो, वो तो कांग्रेस ही ने बनाई। अब मोदी जी वाइट वॉश कर रहे हैं, कहीं टाइल्स लगा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन समस्या अभी यही है कि मोदी जी के अगेंस्ट में कोई भी अभी एट प्रेजेंट नहीं है। क्यों भैया? लेकिन आने वाले समय में आएगा, 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 ठीक है, अभी माहौल तो ठीक है, मोदी जी बोल ही रहे हैं, 400 आ रही क्या? अब अगर खेल हो गया तो आ जाएगी, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है, तो है ना, खेल है सब खेल। मुझे लगता है कि सनातन वाला बहुत बड़ा खेल है, ये लग रहा है कि ये गेम चेंजर साबित होगा, ये खेल होएगा, होएगा।
अच्छा ये राम मंदिर के बाद एक ज्ञानवापी का मुद्दा भी चल गया। अरे वो मंदिर आ गया ना अभी तो अबू धाबी वाला। हाँ अबू धाबी वाला। हाँ वो भी आ गया। हो गया उद्घाटन उसका भी हो जाएगा। नहीं तो ये तो बात तारीफ वाली तो है कि प्रधानमंत्री देश के अबू धाबी में मंदिर का उद्घाटन करने जा रहे हैं। और वो भी 15 साल पहले नींव रखी उनने। 15 साल पहले नींव रखी। अब उसका उद्घाटन हो रहा है। 2015 में मोदी जी जब अबू धाबी गए पहली बार तो वहाँ के क्राउन प्रिंस ने बोला कि आप उंगली रखिए कि कहाँ की जमीन चाहिए आपको। और जहाँ उन्होंने बोला वहीं की उन्होंने जमीन दी। तो यानी ये एक उनकी दूरदर्शिता आप देखिए कि 2015 में उन्होंने सोच लिया था कि मेरे को यहाँ मंदिर बनवाना। ये केवल अपने देश के मंदिर की नहीं अपने सनातन की जो यानी सनातन जो फैल रहा है पूरे में ये एक बहुत खुशी की बात है जी। मेरे ख्याल लगता है ये जो सोच है उनकी और जो काम है इसका बहुत बड़े लेवल पे असर हो रहा है। बिल्कुल 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 ऑल ओवर वर्ल्ड में। अब आप देखिए 22 तारीख को 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई तो यहाँ अपने देश में तो मोदी जी थे बीजेपी थी विश्व हिंदू परिषद था लेकिन बाकी 55 देशों में क्या था। वहाँ राम की आत्मा थी राम था। तो आने वाले समय में पूरे वर्ल्ड का उद्धार होना है केवल भारत का नहीं पूरे वर्ल्ड का उद्धार होना है। दार कौन करेगा? चेतना राम की चेतना मोदी जी के जरिए मोदी जी तो मेरा जो अभी का तक का कैलकुलेशन है मैंने सबसे पहले बोला था कि मोदी जी प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट होंगे। मैंने बोला था कि 300 सीट के ऊपर आएगी और अभी मैं आपको बतला रहा हूँ कि आने वाले समय में यानी अगले टर्न में ये चले जाएंगे यूएनओ चीफ बन जाएंगे। यहाँ कोई दूसरा व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा ये मेरा आउटलुक है। तो ये हम पहुँचे हुए थे ये समझने के लिए कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर जिसकी तारीखों का जो है वो ऐलान होना जस्ट बाकी है अगले महीने कभी भी जो है लोकसभा चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन की जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और डेट डिक्लेयर हो जाएगी कब चुनाव होने हैं। तो उसी के पहले हम समझने आए थे कि माहौल क्या चल रहा है क्या कुछ कह रही है जनता इस लोकसभा चुनाव को लेकर। राम मंदिर का जो उद्घाटन हुआ था क्या वाकई में उसके बदौलत बीजेपी जो बात कर रही है वो भी मुद्दा रहेगा। तो राम मंदिर के अलावा ज्ञानवापी का भी मुद्दा है और अबू धाबी में जो मंदिर का उद्घाटन जो प्रधानमंत्री द्वारा हुआ उसका भी लेकर मुद्दा है। तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को ही कह रहे हैं कि मोदी जी के आने के बाद देश सिक्योर हुआ है सनातन धर्म का जो है वो बढ़ावा हुआ है लिहाजा लोग उनके इस काम और विकास के काम की बदौलत एक बार फिर से पार्टी को मौका देने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी का नारा जो है वो कहीं ना कहीं वो इस बात को पूरा करने में मदद करेगा। तो क्या हाल में आज इतना ही फिर किसी मुद्दे पर बताएंगे शहर का हाल। जबलपुर से न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए कैमरामैन अखिलेश के साथ कुमार सिंह।